अभी तो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने थिएटर्स में दिवाली की आतिशबाजी भी खत्म नहीं की है और अक्षय कुमार ने एक और ज़बरदस्त टीजर के साथ एक बार फिर डंका बजा दिया है कि वो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूँ कल रिलीज हुए पृथ्वीराज मूवी के टीजर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। पृथ्वीराज का टीजर महज 82 सेकंड्स का है, जिसके थ्रू यशराज फिल्म्स ने न सिर्फ अपनी मूवी की एक झलक दिखा के मूवी की प्रमोशन की शुरुआत करी है, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस के 50 ईयर्स कम्प्लीट होने की सेलिब्रेशन का भी आगाज़ कर दिया है, जो काफ़ी समय से टल रहा था कोविड लॉकडाउन की वजह से। अब सिंस ये सिर्फ एक टीजर है, तो मैं इसके स्वॉट एनालिसिस और एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। दैट आई विल कीप फॉर ट्रेलर रिव्यू, जो मेरे ख्याल से मिड दिसंबर या दिसंबर 3rd वीक में आएगा। पहले 30 सेकंड्स में जो वॉर सीक्वेंस की झलक दिखाई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उस सीन को आप किसी भी हॉलीवुड मूवी के सीन से कंपेयर कर सकते हो VFX लेवल पर। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये शुरू के 30 सेकंड्स मूवी के ग्रैंड स्केल को खुल के दर्शाते हैं। एंड द व्यूअर्स जो इस टीजर को देखेंगे विल बी सोल्ड देयर एंड देन। और इसी स्केल की वजह से YRF इस मूवी को IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज़ करेगा। संजय दत्त जो इस मूवी में काका कान्हा का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉलिड लग रहे हैं। काका कान्हा पृथ्वीराज के अंकल थे। सोनू सूद एस चांद बरदाई बहुत ही सिंसेयर दिख रहे हैं। चांद बरदाई पृथ्वीराज के दोस्त और उनके कोर्ट में एक पोएट थे। मानुषी शिल्लर बहुत प्रिटी लग रही हैं एस संयोगिता। बैकग्राउंड म्यूजिक और जो गाना टीजर में दिखाया गया है बिल्कुल आग लगा देगा, जोश बढ़ा देगा एक अलग ही लेवल पर। और हो भी क्यों ना, वो गाना आफ्टर ऑल इंट्रोड्यूस करता है हिंदुस्तान के शेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, जिसका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। अक्षय कुमार काफ़ी यंग और डैशिंग लग रहे हैं। यही फ़ायदा होता है एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस का, दे इंश्योर मूवी का हीरो लुक्स बेस्ट एंड कम्प्लीटली सूटेड टू द रोल। अक्षय कुमार का एक सीन है जहाँ वो घोड़े पर सवार तलवार निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दैट लुक्स प्रिटी ऑथेंटिक। और उसके बाद हवा में छलांग लगा के तलवार से दुश्मन सैनिक को मार रहे हैं, वो सीन या फ्रेम पूरा केसरी मूवी में अक्षय कुमार के ही एक सीन का रेप्लिका लग रहा है। जिस सीन में अक्षय कुमार मानुषी चिल्लर को उठा के घोड़े पर बिठाते हैं, वो सीन काफ़ी अच्छे से शूट किया गया है। एज पहले सिर्फ मानुषी के पैरों पर कैमरा फोकस किया गया है टू शो कि शी हैज़ बीन लिफ्टेड एंड देन अपर पार्ट पे, सो दैट द सीन लुक्स क्लीन, क्योंकि ऐसे सीन्स के लिए क्रेन्स का यूज़ किया जाता है एक्टर्स को उठाने के लिए। और अगर आप फुल व्यू दिखाएंगे किसी भी साइड से तो ये लिफ्ट बिल्कुल फेक लगता है, बट हेयर इट लुक्स गुड। एक और बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जहाँ संजय लीला भंसाली यानी SLB की हिस्टोरिकल मूवीज़ ज़्यादातर एक डार्क लुक कैरी करती हैं, वहीं ये मूवी इस ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए ब्राइट और कलरफुल लग रही है। ओवरऑल टीजर ज़बरदस्त है एंड इट विल इंश्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस टीज़र को देखेंगे विल गेट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस मूवी। सो टीज़र अपना काम मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीके से करेगा और मूवी के बस को बनाने की शुरुआत ही एक बहुत अच्छे लेवल से करेगा। आपको ये टीज़र और अक्षय कुमार का लुक कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, सी यू सून।